रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ दौसा पर। आज हम जा रहे हैं फोर्ट अब्बास, वहाँ मेरी दादी और नानी रहते हैं। मेरे कजन की शादी है, हमने वहाँ जाना है। थोड़ी देर बाद हम इधर से निकलेंगे। बिलावल और अनीब शादी में जाने के लिए बहुत ज्यादा खुश हैं। बिलावल आप कितने ज्यादा खुश हैं? इतने। अनीब आप कितने ज्यादा खुश हैं? इतने। ये दोनों भी बहुत ज्यादा खुश हैं शादी में जाने के लिए। हम सारी फैमिली जा रहे हैं, भाई सहेब घर रहेंगे और साथ भाई हमजा घर रहेंगे और सब काम करेंगे। और ये सरासर जुलम किया जा रहा है, मेरे नाल साथ नहीं, ये सहेब के साथ जुलम किया जा रहा है। क्या आप क्या कहेंगे कि ये आप पांडे तो यहाँ करेंगे? मैं बाड़ियो फिर कहूंगा आप पांडे तो लेना। हमदा गोया चुके करेगा। सीरियस हो गया तो मैं दुकान से चीजें लेने जा रहा हूँ रास्ते में खाने के लिए। आज बारिश भी हुई है, मौसम भी बहुत प्यारा है। दुकान आ चुकी है, अभी हम यहाँ से लेज लेंगे। ये हमने लेज ली है, अभी हम पापड़ वगैरह लेंगे। ये हम सारी चीजें लेकर आए हैं रास्ते में खाने के लिए। शाम हो चुकी है, अभी हम लोग जा रहे हैं, 12 घंटे का सफर है। अभी हम सफर कर रहे हैं, हम पूरे एंजॉय कर रहे हैं हमारे सारे की, तो बहुत ही मजा आ रहा है सफर करने का। हम सामने देखते हैं तो अनीब कहता है वो देखो वो गाड़ी जा रही है, वो मेरे मामू की है, वो मेरे चाचू की है। ऐसे करते करते हम हंस भी रहे हैं, बहुत पूरा एंजॉय हो रहा है यहाँ। हम घर से खाना नहीं खा कर आए थे। हाँ, अम्मी ने कहा था रास्ते में खा लेंगे खाना, हम एक होटल में रुके हैं, अभी यहाँ से हम खाना खा लेंगे। इस होटल में आलू मटर हैं, आलू मटर हमने नहीं खाने, जो आगे होटल आएगा वो उसे हम खाना खा लेंगे होटल में। हमने बहुत ज़्यादा खड्डे हैं, तो खड्डू से राम राम से जाते हुए और सामने गड्डी आते हुए वाली वाली। अभी हम लोग इस होटल में रुके हैं और यहाँ से खाना खाने लगे हैं। हमें यहाँ से चने की दाल मिली है और हम चने की दाल खाएंगे। दाल और रोटी हम ले आए हैं, अभी हम सब्जी बैठकर खाना खा लेंगे। कैसे खा रहा है जैसे घर बैठा हुआ है। खाना हमने खा लिया है, अभी हम लोग निकल चुके हैं। मोटरवे में हम जा रहे हैं, मोटरवे में मैं पहली बार सफर कर रहा हूँ। लाहौर हम पहुंच चुके हैं, अभी हम मोटरवे से बाहर जा रहे हैं। रात के 2 बज चुके हैं, हम होटल में रुके हैं और यहाँ से पानी पी रहे हैं। ये देखो बिलावल कैसे सोया हुआ है। हम पप्पू के गांव में पहुंचने वाले हैं और सुबह भी हो चुकी है। हम फूफो के घर आ चुके हैं, हमें यहाँ बहुत ही मजा आ रहा है। तो यहाँ मेरे कजन भी हैं, आपको अपने सारे कजन से मिलाता हूँ। साकब भी यहाँ आ चुका है। साकब, आपको इधर आके मजा आ रहा है? बहुत ज्यादा। साकब को भी बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, अनिल भी एंजॉय कर रहा है और बुलावल भी। ये भाई साद हैं, ये आपको मजा आ रहा है यहाँ आकर? हम 3-4 दिन पहले आए थे,
मजा तो आ रहा था, अब तुम भी आ गए और अब ज्यादा आएगा। कंफ्यूज हमारा सारा सामान गाड़ी के अंदर ही है, अभी हम सामान निकाल के अंदर रख लेंगे। ये भी हमारा कजन है, ये वीडियो से शर्माता है, इसका चाका भी लाना है। मेरे लिए चलो, लेट्स गो। ये भाई फाद हैं, ये गाड़ी को साए के नीचे करने लगे हैं। अब जी सो रहे हैं, अब जी सारी रात गाड़ी चलाते रहे थे, तभी ये गाड़ी अभी ये गाड़ी साए के नीचे कर देंगे। ये कार हमारे चाचू जी की है, हमें बहुत ज्यादा देर हो चुकी है, हम दादाजी से नहीं मिले, दादाजी का घर पास ही है, अभी हम दादाजी से मिलने जाते हैं। दादाजी। हाँ जी, ठीक ठाक हो? अल्लाह की रहमत है, शुक्र है मालिक का। दुकान अपनी चलो फिर इंज कर लेने, दुकान टाफियां खा लेने, टाफियां सारे खा लेने। अपना काम सीधा करी, वीडियो बना दे अभी। मेरा चाचू न्यू घर बना रहा है, ये मेरा कजन है, ये भी चाचू की हेल्प करा रहा है। आए आपको मैं अपने चाचू के मकान दिखाता हूँ। चाचू जी कमरे प्लास्टर करा रहे हैं, अभी मैं आपको छत पर जाकर मकान दिखाता हूँ। एक कमरा ये है, ये वॉशरूम है, और ये ऊपर से छत है। ये चाचू जी का घर देखें, बाहर से कितना प्यारा लग रहा है। हमें यहाँ आकर बहुत मजा आ रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ।